जो हमने हमें इसको इस सेंस में समझना चाहता हूं कि जितने भी तरीके से लोगों ने एनालाइज किया कि इस मार्केट में बहुत तेजी, महंगा है, सिर्फ लिक्विडिटी के दम पे है, ये वो है, लेकिन लास्ट वीक जो दो घटनाएं, तीन घटनाएं हुई हैं कि अब चीन की तरफ से पैसा झोंका जा रहा है, फिर पहले यूएस की तरफ से कट किया गया, तो मंदी का जो एकदम रामबाण निकाला गया लिक्विड फार्मूला, तो कैसे इसको एनालाइज करें इस मार्केट को जो एकदम आंधी की तरह चल रहा है? देखिए, ओवरऑल आप समझिए कि जो लिक्विडिटी 2007-8 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई वो कभी बंद नहीं हुई। कोविड से आके उसको और धक्का मिला। तो लिक्विडिटी का है जैसे पानी की तरह, वाटर फाइंड्स इज बेस्ट लेवल बोलते हैं ना, चल लिक्विडिटी फाइंड्स इज बेस्ट लेवल। अब लिक्विडिटी का कारण क्या है, क्योंकि ये केनिजन इकोनॉमिक से शुरू होता है कि जब ये इकोनॉमी मंदी में हो, गवर्नमेंट को अपने हाथों से खर्चा करना चाहिए, वो एक फिस्कल स्टोरी होती है। और दूसरा होता है कि सेंट्रल बैंकर्स लिक्विडिटी फैलाते हैं ताकि मार्केट में पैसे के कारण डिमांड वापस आ जाए। ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात मैं कह रहा हूँ, बट असलियत में क्या होता है ना, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना, एक जनरेशन होता है और ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं, क्योंकि दिल्ली के शहर वाले अपने घर में स्ट्रीट लाइट का घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे लीकेज जो हो रहा है लिक्विडिटी का, असल चीज यह है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि इकोनॉमी को रिवाइव करे, मगर मार्केट की कोशिश है कि जहां मुझे सस्ते में कुछ मिले एसेट क्लास, उसमें मैं पैसे लगाऊं। अब यह स्टोरी इतने लंबे डिकेड एंड हाफ तक चल रही है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली रिस्क को नेग्लेक्ट होता है जब ज्यादा लिक्विडिटी आती है, तो रिस्की एसेट क्लासेस का और भी बढ़प होता है। और इसीलिए मैं मान रहा हूं कि अभी तक यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी कहीं पे भी एक स्ट्रांग ग्रोथ का रिकवरी नहीं दिख रहा है, तो ये लिक्विडिटी हटा नहीं सकते, इसलिए रेट कट का माहौल, नोट प्रिंटिंग का माहौल ये जारी है। और नेचुरली एसेट क्लासेस में जो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है रिटर्न का, उसमें पैसा जाएगा। ये मेरे ख्याल में और कुछ महीनों तक चलना है, जब तक यूएस इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ में नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस ग्लोबल इंजन है। यूएस की रिकवरी आएगी तो चाइना की रिकवरी आएगी, एज एन एक्सपोर्ट स्टोरी, ताइवान की रिकवरी आएगी, कोरिया की। तो मेरा मानना है कि यूएस की जो इकोनॉमी डेटा आ रही है वो अभी तक क्लियर कट एक ग्रोथ का रिवाइवल यूएस इकोनॉमी में नहीं दिखा रही है। इसलिए सब एसेट क्लासेस, गोल्ड चल रहा है, इक्विटी मार्केट्स चल रही है, डेट मार्केट्स में भी पैसा बन रहा है, तो ये जो बेसिक अंडरलाइन, तो मेरे लिए अब निवेश करने के लिए ना दो चीज सामने आती है। फर्स्ट, लिक्विडिटी का रैली एक वैल्यू कैचअप रैली होता है, क्योंकि सस्ते में बिक रहा है कुछ तो उसको खरीदो, तब क्वालिटी को नेग्लेक्ट करके वैल्यू के ऊपर, इसलिए पीएससी का चला, पीएसयू बैंक्स का चला, जिसका भी डिस्काउंट में वैल्यूएशन चल रहा था वो पहले चले। अगर सेकेंड चीज होती है कि वापस क्वालिटी के ऊपर ध्यान, वो अब स्थिति आ रही है कि क्वालिटी को ढूंढो, तो क्या हो रहा है कि मार्केट में अब्सॉर्प्शन, क्योंकि मैं आपकी फाइनल टॉपिक पे आता हूं, मगर अब्सॉर्प्शन हो रहा है कि पहले ग्रोथ सेक्टर, सिक्लिकल सेक्टर्स का बहुत चला, फिर उसके बाद आप जो नहीं चले थे, आईटी आपने बताया, पहले रैली में आईटी नहीं चला था, फिर चल रहा है, तो मार्केट में बहुत रूम है, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेक्टर्स तेजी से दौड़ रही है, मगर ब्रॉडर मार्केट में अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर वो पीछे हट गई है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, डिस्काउंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर टू ओवरऑल मार्केट लाइफ टाइम हाई में है, तो वहां पे अभी अब्सॉर्प्शन, तो मार्केट में अब्सॉर्प्शन चल रहा है। और आईपीओ को जो बात बताया वो होता है सप्लाई की तरफ से, क्योंकि डिमांड आती है, एग्जिस्टिंग कैपिटल मार्केट की स्टॉक्स लिस्टेड को पुल अप कर रही है, मगर जब तक सप्लाई नहीं है, अब सप्लाई आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन भी दब जाएगा, क्योंकि ये स्प्रेड होगा। इसलिए फंड मैनेजर ने भी बहुत कैश इकट्ठा करके इन बड़े दिग्गज आईपीओ के लिए पैसा रखा है, तो ये सब मैं समझाऊँ एक अच्छी खबर है कि मार्केट की डेप्थ और इसको एक्सपेंड होकर आगे बढ़ रही है ना। तो मेरे ख्याल में अब स्ट्रैटेजी होना चाहिए स्मेल द मनी, पैसा कहां से ज्यादा आने वाला है, किस तरफ बढ़ने वाला है, उसको अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपका भी पैसा बनेगा। आपकी ऐसी माहौल में मैं समझता हूं अर्निंग्स, ग्रोथ, ये वाली बात सब हटके है,
पैसे वाले कहां पे पैसा डाल रहे हैं उसको आप स्मेल कीजिए और उसके पीछे डालिए तो बढ़ेगा। सिंपल स्ट्रेटजी आज के मार्केट में। ये बताइए क्या इस समय तो आप जर्मनी में भी लोग पूछ रहे होंगे यार कि इंडियन मार्केट में पैसा लगा दें क्या, थोड़ा उनका तो चल नहीं रहा है तो इधर ही पैसा बन जाए थोड़ा। एक्चुअली तीन ही देश जहाँ पैसा लोग बना रहे हैं तो वहाँ पे भी एक फीलिंग होगी। शरद जी एक चीज़ बताइए सर, एक तो पहला मेरा क्वेश्चन ये कि आपके जो HNI क्लाइंट है वो आपसे जब कन्वर्सेशन करते होंगे फ़ोन पे तो क्या हाय हेलो के बाद वो क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब से कुछ समय पहले तक लोगों को लोग कह रहे थे कि यार बैंक बहुत मुश्किल में है, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही है, देखो भाई मुश्किल है, क्रेडिट ग्रोथ 11-12% आ गई है, कैसे काम चलेगा, बैंकिंग सेक्टर बहुत ख़राब है, म्यूचुअल फंड वाले सबसे ज़्यादा ख़राब बोल रहे थे उसको, अब उधर भी भाई चल पड़ा गाड़ी। अब तो ये एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि जैसे आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं जब, तो जो पहला व्यक्ति गया उसने सबसे बढ़िया क्वालिटी का माल लिया, प्राइस सेम, दूसरा गया उससे इन्फीरियर, तीसरा गया जो सबसे अंत में रात में गया भाव वही लगा, लेकिन वो छटा हुआ एकदम एकदम कचरा माल ले गया लेकिन भाव वही है। क्या ये हो रहा है क्या कि पैसा इतना है कि सब बिकेगा, हर माल बिकेगा एक ही भाव में? तो ये वाले सवाल आपके क्लाइंट भी पूछते होंगे तो आप कैसे उनको एड्रेस करते हैं शरद जी? देखिए क्लाइंट्स का पिछले कुछ समय से लगातार सवाल एक ही रहा है कि बाजार इतना बढ़ रहा है, बहुत नर्वसनेस है कि करेक्शन आ जाएगी, करेक्शन आ जाएगी। तो यूजुअली अगर आप मार्केट्स में देखें तो जितना पैसा करेक्शन खोजने में लोग गंवाते हैं, शायद अगर ज़्यादा करेक्शन खोजने की कोशिश ना करें तो उससे ज़्यादा पैसा बन जाए। तो कहावत है कि बहुत ज़्यादा पैसा करेक्शन खोजने में गंवाया जाता है। तो रशिया यूक्रेन से ये चालू हुआ ट्रेंड कि वॉर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, फिर ये लेबनन इसराइल वाला इशू चालू हो गया, फिर से लोगों ने अंदाजा लगाया कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है मेन कंसर्न लोगों की यही है, कभी US के इंटरेस्ट रेट्स, कभी US में हार्ड लैंडिंग, कभी यहाँ सरकार बदली या मे बी नॉट इतनी बड़ी मेजोरिटी की सरकार। तो लोग बहुत ज्यादा मंदी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एटीट्यूड गलत है, आपको ब्रॉडर साइकिल के साथ प्ले करना चाहिए और बहुत ज्यादा मंदी खोजने की कोशिश मत करिए। मतलब आप पिछले 5-7 हज़ार पॉइंट से तो मेरे हिसाब से बहुत लोग हैं जो कंसिस्टेंटली मंदी खोज रहे हैं। अब मुझे लगता है अननेसेसरीली लॉजिक्स चिपका के मंदी खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और क्लाइंट्स का प्राइमरी सवाल यही होता है कि बाजार बहुत ओवरहीटेड हो गया क्या, पीक बन गई क्या? तो हम लोग बताते तो हैं कि पीक नहीं बनी है, लेकिन लोगों में थोड़ा सा डर है और बहुत ज्यादा पीक खोजने के प्रति जो उत्साह है वो थोड़ा ज्यादा है रादर देन मार्केट में लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन के। तो वो एक चैलेंज है। जहां तक बैंकिंग के इंप्रूवमेंट का सवाल है, मुझे लगता है एक टिपिकल ट्रेंड आपको बाजार में आजकल दिखेगा जिसको मैंने नाम दिया है कि फंडामेंटल्स को टेक्निकली ट्रैक करना। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे परफॉर्म कर रही है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन की